का जो पूरा ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से तो ये लगता है कि हम लोगों को ये मैच जीतना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो कैप्टन है उनका जो 100% कहा जाए या 1000% जो एफर्ट है उस अपने हमारी टीम के लिए और मैच के लिए, उसके वजह से और कैप्टन के खेलने की वजह से हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जीत सकते हैं। आपकी फील्डिंग मैच टूर्नामेंट के पहले बहुत ही शानदार थी, पर आप उतना एफर्ट इस मैचों के दौरान नहीं दे पाते, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, अब मैच में ऐसा टेम्परमेंट का वो रहता है, या टेम्परमेंट है या कुछ एनजाइटी है, या मतलब ऐसा कुछ दिमाग में चलता रहता है जिससे कि वो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है उसमें। हाँ, डॉक्टर गॉडविन आपको इस बारे में कोई एडवाइस नहीं देते जिससे कि आपका दिमाग? सर, गॉडविन सर ही इज़ अ वेरी गुड कोच और वो बहुत ही कुछ ज़्यादा सिखाते हैं, बस वही है कि मट्ठर आदमी को समझ में आना है नहीं, इसलिए जितना वो बोलते हैं उतना करने की मैं कोशिश करता हूँ। बस ये है कि अभी नहीं तो ठीक है, अगले साल जो भी है उनका ज्ञान काम आएगा। आपका क्या गोल है इस फाइनल में, क्या करने का सोचते हैं? कितने सर, देखिए पिछले इतने 7-8 जो मैच हुए हैं उनमें से मेरा बल्ला तो चला नहीं। फील्डिंग में जितना एफर्ट हो सकता है, जितना गॉडविन सर ने बोला है सिखाया है, मैं वो पूरा लगाने की कोशिश करूंगा इस मैच में। बाकी ऊपर बल्ले के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ सर, बल्ले के बारे में क्या कहना है? सर, बल्ला तो इस बार चलेगा सर, देखते हैं अगर क्या बोलते हैं। क्या लगता है आपको, चलेगा कि नहीं चलेगा? सर ये तो सर उस दिन पता चल, इतने दिन का वो मान के चले तो सर नहीं चलना चाहिए। अगर इतने दिन का देखें और बाय चांस किस्मत सही रही हो चल गया तो फिर अलग बात है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।